Welcome, Shiv, again in the new session. I am Rohit Kumar. In this session, we know about the unit of electric charge. The SI unit of electric charge is coulomb. It is represented by letter C. SI unit जो होता है electric charge का वो coulomb है, जबकि उसको हम represent करते हैं, दर्शाते हैं capital letter C से. परिभाषित करना है unit charge और One coulomb of charge. One coulomb of charge is that amount of electric charge which applied a force of 9 into 10 to the power 9 newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को एक मीटर की दूरी पर रखेंगे एक दूसरे से, तो वो अगर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का बल जब लगाएगा तो उसी को हम बोलते हैं वन कूलम ऑफ चार्ज. ऑल मैटर्स कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस सभी तत्वों के पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स के बाद जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड के आगे हम नेगेटिव साइंस का यूज करते हैं. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है माइनस 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी से दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम. ऊपर के डिस्कशन से ये पता चल रहा है कि जो यूनिट होता है चार्ज का वो क्या है, कूलाम है, जो कि एक बिगर यूनिट है चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. थैंक यू फॉर दिस सेशन. वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द न्यू सेशन. दैट्स ऑल.